रेल प्रशासन द्वारा दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर आने जाने के लिए 110 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये 110 ट्रेनें पूरे देश में कुल 668 फेरे लगाकर चलाई जाएंगी, जिसमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार माना जाता है और इस समय बाहर रह रहे लोग वापस अपने घर और गांव आने जाने के लिए लाखों की संख्या में ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जिससे ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती और महीनों से ही ट्रेनों में बुकिंग और RAC लग जाती है या वेटिंग बढ़ जाती है। इसी को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस से समस्तीपुर जंक्शन तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन, जबलपुर जंक्शन, कटनी, सतना जंक्शन होते हुए चलाई जा रही है। हम आपके लिए अपना काम कर ही रहे हैं, तो भाई लोगों, आप भी नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर मुझे सपोर्ट कर दीजिए। चलिए, अब हम आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस समस्तीपुर स्पेशल एक्सप्रेस की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रेन नंबर 01243 लोकमान्य तिलक से प्रत्येक सोमवार को दोपहर 3:50 पर निकलकर कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, सुबह 6:10 पर जबलपुर, सुबह 9:30 पर कटनी, सुबह के 11:05 पर और सतना दोपहर 12:50 पर रुकते हुए मणिकपुर, प्रयागराज, छिपकी, DDU, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर व मुजफ्फरपुर जंक्शन रुकते हुए दूसरे दिन रात 3:00 समस्तीपुर स्टेशन पहुंचती है। समस्तीपुर से वापसी में 01244 स्पेशल एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को सुबह 7:25 पर खुलकर दूसरे दिन शाम 6:15 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आकर अपनी 1812 किलोमीटर की जर्नी खत्म करेगी। इस दौरान यह ट्रेन केवल 18 स्टेशनों पर रुकती है। LTT समस्तीपुर एक्सप्रेस का ट्रेवल टाइम 35 घंटे का है। इसकी एवरेज स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस ट्रेन की बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। इसके लिए आप PRS काउंटर या फिर ऑनलाइन IRCTC के द्वारा बुकिंग भी कर सकते हैं। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।